Assalamu alaikum everyone, main hu Taimur Junaid Jamshed and thank you for joining Pakistan's first ever live cooking show on Facebook. Let me introduce our chef for the day, Chef Farah, who has history of working with my father during the time of Shahane Ramzan. Assalamu alaikum Farah. Wa alaikum assalam, main theek hu, Taimur aap kaise? Alhamdulillah, bilkul theek. To kya banane lagi hai aaj aap? Aaj hum Jaza Cookbook mein jo bana rahe hain, jo hamara ye program hai, first live show hamara on air hone ja raha hai jo Facebook ke through, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं इसका एक हिस्सा बनी हुई हूँ. और जुनेद भाई से जो मेरी मोहब्बत, जो उन्होंने मुझे एक बहन का दर्जा दिया था, तो मुझे आज लगता है कि उन्होंने ये पूरा कर दिखाया. वो मौजूद नहीं है लेकिन मुझे उनकी मौजूदगी हर वक्त महसूस होती है और मैं ज़्यादा फूड का भी हिस्सा बनी हूँ. तो आज मैंने सोचा कि वो मैं डिश बनाऊँ, वो खाना बनाऊँ जो हमारे पाकिस्तान के, बल्कि पाकिस्तान से बाहर जो लोग देख रहे हैं हमें, उनके घरों में ये चीज़ बनती है, बहुत आसानी से बनती है. क्योंकि इतना बिजी डे होता है, आपके पास टाइम नहीं होता, आप जल्दी जल्दी क्या कुछ करना चाहते हैं, मील बनानी होती है, क्विक चीज़ें बनानी होती हैं और मज़ेदार भी हो और अच्छी भी हो. तो वो मैं बनाने वाली हूँ, मटर यखनी पुलाव. अरे बेहतरीन, तो मुझे बहुत पसंद है. वैसे तैमूर आपने ये सुना नहीं होगा कि मटर यखनी पुलाव. पुलाव का सुना है ज़रूर, और ये फर्स्ट टाइम मैं सुन रहा हूँ जी. बीफ का आपने सुना होगा, आपने चिकन का सुना होगा, यखनी पुलाव, लेकिन मटर का नहीं सुना होगा. तो मैं मटर पुलाव तो बहुत सारे लोग बनाते हैं, और जब घर में बनते हैं ना तो पता लोग कहते हैं मटर मैंने नहीं खाया, ये होता है एक्सप्रेशन उनका. मैं उनमें से, शायद उनमें से मैं भी हूँ. लेकिन मुझे लगता है कि आज आप कहेंगे कि अब घर में यही बनना चाहिए. और सर्दियों की आमद आमद है, मटर बड़े फ्रेश आ रहे हैं, सब्जियाँ बड़ी फ्रेश आ रही हैं, और सब्जियों को खाना चाहिए. कितने इनमें विटामिन्स, मिनरल्स, कैल्शियम, पोटाशियम कितने ज़्यादा मिकदार में होते हैं जो हमारी बॉडी को बहुत ज़रूरी है. तो मैं डिश स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये एक बात ज़रूर बताऊँगी कि जब हम मटर पुलाव बनाते हैं या राइस की कोई भी चीज़ बनाते हैं, सबसे बड़ा मसला होता है कि चावल कौन सा लें, ये समझ में बात नहीं आती. ठीक है, अब पता है क्या क्या लड़ाई होती है कि कौन सी दुकान, कौन सी शॉप वाले के पास लड़ाई नहीं, वो चावल लेना है. खुले चावल रखे होते हैं, हम शॉप वाले से पूछ रहे होते हैं भाई ये बिरयानी का कौन सा चावल है, ये पुलाव का कौन सा चावल है. तो उसको क्या करना है, उसको तो अपना सामान बेचना है, उसको तो अपने चावल बेचने हैं. तो वो कुछ भी कह के बोलता है कि ये इसका ही हिस्सा है. ये घर वालों, जो घर से जो चावल लेके आता है ना, उसकी शामत होती है कि आप चावल सही मिलाए. तो जज़ा फूड ने ये मसला बिल्कुल हल कर दिया है, बिल्कुल टोटली आपका मसला हल कर दिया है. आपको बिरयानी बनानी है तो कौन सा चावल चाहिए, आपको पुलाव बनाना है तो कौन सा चावल चाहिए, उस पैकेट के ऊपर ही मेंशन किया हुआ. बिल्कुल, और साथ में तस्वीर भी लगाई हुई है कि जो अंदर चावल डाला है उसकी हमने एक्चुअल शॉर्ट्स लेके लगाए हैं. बिल्कुल, हाँ exactly. और वैसे ही बनेगा. तो बिल्कुल जैसे ये सेला का है, इसमें बिरयानी का दिखाया, क्योंकि सेला से बिरयानी बनती है. तो आज हम कौन सा ब्लैक मेरे ख्याल में इस्तेमाल कर रहे हैं, स्टीम राइस. स्टीम राइस, क्योंकि पुलाव में भी हम चाहते हैं खिला खिला सा चावल होना चाहिए. पुलाव जब डिश में डिश आउट करें तो वो दिखने में बहुत अच्छा, और खुशबू भी अच्छी है. और ज़्यादा चावल में ये खास बात है कि खुशबू इतनी अच्छी होती है. अब यकीन करें, मेरे घर में पैकेट्स आए थे, आप लोगों ने जो मुझे गिफ्ट दिया था जब हमारी सेरेमनी थी, मैंने वो बनाए तो वो ऊपर रहती है मेरी भाभी, मुझे ये क्या बन रहा है, कौन से चावल है, मैंने बोला ये ज़्यादा उनके चावल है. तो इतनी अच्छी खुशबू, और जिस जो मेरी फ्रेंड्स है वो यूज़ करती हैं तो उनको भी अच्छे लगते हैं. तो क्यों ना हमारा पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया इसको इस्तेमाल करें और इतने अच्छे चावल का मज़ा लें. अच्छा, ये मैंने ये सॉस पैन लिया हुआ है, पतीली ली हुई है, उसमें सबसे पहले मैं ऑयल इस्तेमाल करूँगी. तकरीबन मैंने इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल का इस्तेमाल करूँ. 2 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून. और इसमें हम डालते हैं ब्राउन, आप प्याज को आप चॉप कर लें फिर ब्राउन कर लें, ब्राउन ऑनियन. लेकिन ज़्यादा फूड ने ये मसला भी आपको हल कर दिया, आपकी इतनी अच्छे कलर में, इतनी ताज़ा आपके पास ये फ्राई अनियन तैयार मिल रही है आपको. आप बाज़ार से लेकर आएँ और आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. आपकी एक तो मेहनत बच गई और ऊपर से ये फ्रेश और बहुत अच्छा कलर, ताज़ा. अच्छा, आप इस पैकेट को खोलेंगे ताकि मैं इसकी कुछ ऐसी बातें बताऊं जो मुझे एज अ शेफ़ पता लगी है. जब मैं कोई चीज़ इस्तेमाल करती हूँ तो मैं इनकी वो बारीकियाँ देखती हूँ जो आम खवातीन जो घर में खाना बनाती हैं उनके लिए प्रॉब्लम्स होती हैं. वो बड़ी परेशान होती है, बाज़ार से फ्राइड ऑनियन लेकर आते हैं, प्याज तली हुई चूरा चूरा हो जाती है, आपको मज़ा नहीं आता. आप इसको हलीम के ऊपर छिड़कते हैं या अपने खानों में इसको डालते हैं जिसमें आपको गार्निश करना होता है, तो आपको बड़ी शर्मिंदगी होगी कि वो इतनी फ्रेश नहीं रहती, बिल्कुल मुरझाई हुई सूखी. लेकिन इसमें ये मसला नहीं है, ये हमारी अनियन में ये बहुत फ्रेश है, ताज़ी है. मैं आपको इसको खोल के बता देती हूँ ताकि आप जी इसमें आप इसको डालें और देखें किस तरह से है. जैसे लगता है अभी अभी हमने इसको स्लाइस किए हुए हैं और इसको हमने फ्राई, इसको थोड़ा सा आपने और खोलना होगा, और खोल लें इसको. और कितनी ये फ्रेश है, कितनी फ्रेश आनी है. हाँ, इसको आप स्क्रैप कर दें बस ये दिखाने के लिए कि जो कहते हैं हम वही होता है इस पैकेट में.
और इतनी इसके प्राइस कोई ज़्यादा नहीं है, बहुत कम प्राइस है, रीजनेबल जी, बिल्कुल रीजनेबल है, आप इसको ले सकते हैं और आपकी मेहनत भी बच गई और जायका और क्वालिटी पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है जिजा फूड के साथ। ये तो अब्बा की विजन थी ना, बिल्कुल पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स की इमेज चेंज करनी थी, इमेज चेंज करना था एग्जैक्टली, और उन्हें कर दिखाया। और ये मैंने फ्राई अनियन थी, इसको मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, 1 टेबल स्पून आपने इसके अंदर ऐड कर लिया। अब मैं जल्दी जल्दी आपको मसाले इसके अंदर डाल के दिखाऊंगी। ये मेरे पास गरम मसाला है जो तमाम घरों में मौजूद होता है, उसमें हमारे पास जवेंत्री है और ये छोटी इलायची है 2 अदर और ये बड़ी इलायची है 1 अदर और ये दालचीनी मेरे पास है, ये तकरीबन 1 टुकड़ा आप इसमें डाल दें, वाइट ज़ीरा, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अच्छा, जब हमारे घरों में प्याज फ्राई हो रही होती है तो कितनी अच्छी खुशबू आ रही होती है, जब हम बाज़ार से लाते हैं तो वो खुशबू सारी की सारी मुरझा जाती है, लेकिन इस प्याज में कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अच्छा, ये मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पकाएंगे क्योंकि हमारे पास प्याज जो था वो ऑलरेडी फ्राई था जी। और ये मेरे पास है ये ड्राई मिर्च, ये आपको आसानी से मिल जाती है, सस्ती सी होती है, आपने ले ली। अच्छा, इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी, ज़रा सा पानी, ठीक है, फिर हम साथ साथ बातें भी करते जा रहे हैं। मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया, इसलिए डाला ये पानी कि गर्म मसाला जितना भी डाला था उसका अरोमा जो है उस पानी के अंदर आ जाए। ऑलरेडी कितना इतनी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, ऐसा लगता है हमारी डिश तैयार हो चुकी है, ऐसा लग रहा है, अभी फील हो रहा है। अच्छा, ये मेरे पास मटर थे, मैंने तकरीबन इनकी मटर लिया था 1 कप, इस मटर को मैंने 1 ग्लास पानी के अंदर मैंने इसको बॉईल किया था, इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दिया था, इसमें इलायची है और 1 इलायची है, दालचीनी का टुकड़ा है, लौंग भी है इसके अंदर, 2 से 3 अदद लौंग है, और इसमें ये मैंने सौंफ, क्योंकि आप जब भी यखनी बनाते हैं, यखनी पुलाव या हम कोई भी मटन यखनी पुलाव, तो सौंफ और साबित धनिया ज़रूर डालते हैं, तो 1 टीस्पून वो मैंने इसके अंदर डाल के इसको बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद मैंने इसको छान लिया, तो हमारे मटर भी हमारे पास बॉईल आ गए और ये सारी चीज़ें हमारे पास तैयार हो गई, लेकिन इसके फ्रेश, बहुत फ्रेश लग रहे हैं। और जो इसका पानी निकला था उसको हमने फेंकना नहीं है, वो हमने यहाँ पर कप में डाला, ठीक है, उसको कप में हमने डाल दिया, इसका ये पानी हमारे पास यखनी जो है एक्चुअली ये हमारे पास तैयार हो गई है, और जिन चीज़ों में बॉईल किया गया था वो मटर ये हमारे पास ही रखे हैं। अब ये मसाले कितने कम है, कितनी अच्छी हवा आई है, बहुत अच्छी हवा आ रही है और इतना अच्छा भी फील हो रहा है। कोई बात नहीं, आप इसको जरा मेरी हेल्प करवाएं ना, जी बिल्कुल, तैमूर में आपको भी कुकिंग सिखाऊंगी, किस तरह मैं भी थोड़ा सा सीख लेता हूं, इसको क्या करूं, वो हिलाओ, हां हां इसको हिलाएं, आप हिलाएं इसको, बिस्मिल्लाह जी, आई होप मैं इसको, हां नहीं आप सही कर पाएंगे, बिल्कुल सही कर पाएंगे। अच्छा, जब वो खाना बना रहे होते हैं और इतना अच्छा मौसम हो तो कितना मज़ा आता है, और चीज़ें हमारे पास बहुत परफेक्ट हो, अच्छी चीज़ें हों तो उसकी खुशी तो कुछ ज़्यादा ही खुशी होती है। ये मैं सही कह रहा हूँ, बिल्कुल आप सही कर रहे हैं। और अब मैं इसमें डालने वाली हूँ ये यखनी है, ये हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, जो मैंने आपको बताया कि मैंने इसकी यखनी बनाई किस तरह से, मटर और गरम मसाला, सौंफ और साबित धनिया के ज़रिए मैंने इसकी यखनी बनाई थी, और इसमें ये ज़रा सी देर पकेगा। अब मेरे पास ये हरी मिर्चें टेस्ट के लिए, क्योंकि हम पाकिस्तानी लोग हैं या पाकिस्तानी लोग जहाँ जहाँ मुल्क में रहते हैं, दुनिया में रहते हैं, उनको जब तक स्पाइसी खाना ना हो तो मज़ा नहीं आता। बिल्कुल, सबका यही है कि जब तक बिल्कुल जो है ना, नाक बहने ना शुरू हो तब तक पता नहीं चलता जैसे खाना खा रहे हैं। हमारी नाक बहती भी हो ना, हमें फिर भी चाहिए कि नाक दोबारा से बहती हो स्पाइस से। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हरी मिर्चें मेरे पास है तकरीबन, ये 4 अदद हरी मिर्चें हैं, मैंने इसको कट करके रखी हुई थी, मैं इस पानी के अंदर इसको डाल दूंगी। कोई बात नहीं, लाइफ शो में ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, आप किचन में भी काम करते हैं तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। बिल्कुल, ज़रूरी होता है कि आपका खाना बहुत अच्छा बने, सबसे इम्पोर्टेंट ये है। और आज के हमारे क्या कहते हैं इस शो के जो स्पॉन्सर पार्टनर हैं वो है MyCard, और आप क्या कहते हैं MyCard से एक बहुत डिस्काउंट इस्तेमाल कर सकते हैं, वो प्रोमो कोड कुक बुक प्रोमो कोड है, उससे आप जाएं और आपको डिस्काउंट मिलेगा 12 बजे तक। आज 12 बजे तक जी, डायरेक्ट घर पर डिलीवरी होती है। बिल्कुल, ये तो सारा मसला ही हल हो गया, जो भी आपको चाहिए, राइस चाहिए, अनियन चाहिए या जिंजर गार्लिक पेस्ट चाहिए, ये डायरेक्ट घर पर आपको मिलता है। ये जिस तरह वो कहते हैं ना कि तेजी से लाइफ, जो आप शुरू में बात कर रहे थे कि डायरेक्ट घर पे आपको मिल जाता है, ताकि आपको अपना टाइम वेस्ट ना करना पड़े डायरेक्ट, और ये तो इनकी सर्विस भी इतनी क्विक है, वो फौरन आपको लाके उसी दिन दे देते हैं। यानी कि क्वालिटी के साथ साथ आपने सहूलतें भी दे दी हैं। जी बिल्कुल, क्वालिटी तो है ही बेस्ट, लेकिन सहूलत भी दे दी है। जी बिल्कुल। अच्छा, ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है, अदरक लहसुन का पेस्ट है मेरे पास, ये मिक्स पेस्ट है, हम घरों में बनाते हैं तो एक शिकायत ये होती है कि घर में पहले ज़माने में पीस के रखते थे, अभी भी रखते हैं, पानी बहुत ज़्यादा ऊपर आ जाता है, वो टेस्ट नहीं होता,
और मज़ा नहीं आता तो और फ्रेश नहीं मिलता. और दूसरी अगर आप बाज़ार से दूसरी लेने जाएँ तो आप देखें इसमें पानी की मकदार बहुत ज़्यादा है. मसाला जो अदरक लहसुन का जो पेस्ट होता है वो नीचे पानी बहुत ज़्यादा ऊपर आ जाता है. लेकिन यहाँ ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर अगर कैमरा इसको दिखा रहा है कि इसमें पानी की जो मकदार है बहुत मुनासिब रखी गई है. ना तो ये टेस्ट उसके अंदर है ना कि पानी का टेस्ट रहे. और ये इस तरह से है और बिल्कुल लग रहा है जैसे घर का इसको चॉप किया हुआ है. बिल्कुल इसको पीस के बिल्कुल इसको हलवा नहीं बना दिया गया है. ठीक है, जो हमें इसको चंक्स चाहिए होते हैं जो मुंह में आते हैं अदरक लहसुन वो उसी तरह से है. और इसको मैं डालूंगी 1 टीस्पून. और इसकी इतनी अच्छी खुशबू है तैमूर, आप तो जाहिर बात है आपका प्रोडक्ट आपको पता होगा. लेकिन एज अ शेफ डिश वैसे इतनी वो खुशबू वाली हो रही है. अच्छा, ये अगर बॉटल ले ली जाए तो मुझे लगता है कि 2 महीने आप आराम से गुजर जाएंगे क्योंकि ये इतनी कम क्वांटिटी में इसके अंदर यूज होता है और खुशबू बहुत अच्छी देता है. तो आपके जेब पे भी आपका जो थोड़ा सा भार था ना वो भी दूर हो गया. एक तो आपकी क्वालिटी अच्छी मिली, डायरेक्टली आपको घर पे डिलीवर मिलेगी बाय कार्ट के थ्रू. यार ये तो मैं बहुत हैरान थी, ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई. हाँ बस वो क्या कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता हम लोग जो है वो अब इसकी तरफ जा रहे हैं. जबरदस्त है ये तो. ये जो मेरी बहनें जो देख रही है ना इस वक्त कुकिंग शो तो बहुत शौक से देखती है, वो तो इतनी खुश हो रही होगी कि यार हमें तो कहीं जाने ही नहीं पड़ेगा, घर पे चीज़ें आ रही हैं. तो जल्दी से बस जल्दी से आपने ये काम करना है कि आपने कॉल करनी होगी इनको. ये फेसबुक पे क्या करना होगा, बेसिकली फेसबुक के थ्रू, हमारे फेसबुक पेज के थ्रू भी हो सकता है और डायरेक्ट आप माई कार्ट पर भी जा सकते हैं और वहाँ पर ये प्रोमो कोड इस्तेमाल करें जो आज रात 12 बजे तक अवेलेबल है. कुक बुक नाम है उसका. और ये आप माई कार्ट से आप अवेल कर सकते हैं जो आज के हमारे क्या कहते हैं पार्टनर है शो में. जबरदस्त, हमारे शो का नाम भी तो जदा कुक बुक है. जदा कुक बुक बिल्कुल. बस जदा कुक बुक है. अब उनको जो भी रेसिपी लेनी होगी खवातीन को वो बोलेगी यार वो जदा कुक बुक के पेज पे चले जाओ ना, वहाँ पे हर रेसिपी मिल जाएगी, इतने मजे मजे की रेसिपी. और इसमें चावल भी बहुत अच्छे, फ्राइड ऑनियन भी बहुत अच्छी और इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट. क्या बात है, क्या खुशबूदार है. वैसे और कौन कौन सी चीज़ें आने वाली है मार्केट में? बेसिकली अभी हम वो भी इंट्रोड्यूस करने लगे, वो हमें सेवैयां जो है सेवैयां आज के शो में हम लोग लॉन्च भी करेंगे. और जैसे जैसे ये आगे बढ़ता रहेगा मैं वो पैकेजिंग भी और प्रोडक्ट भी इंट्रोड्यूस करूँगा. अच्छा जी. और बेसिकली हमें ये किचन की सारी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको करना है. बेसिकली हमने राइस से शुरू किया, फिर हमने फ्राइड अनियन किया, पेस्ट किया, अब आहिस्ता आहिस्ता मसालों में भी आएंगे और बाकी हम सोच रहे चटनी भी हो, हनी भी हो, बेसिकली पूरी बास्केट कम्प्लीट करनी है. लेकिन इसमें हमारी नीयत ये होनी चाहिए कि यार कस्टमर को बेनिफिट मिले और उनके पास एक क्वालिटी प्रोडक्ट पहुंच सके. बेसिकली इस कंपनी का आगाज जो हमने किया था वो इसी बुनियाद पे किया था कि हमें एक तो कस्टमर को बेनिफिट देना है और उनके पास टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट जाए ताकि पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स की इमेज भी चेंज हो सके. बिल्कुल सही. अच्छा मेरे दिमाग में सवाल था कि मैं बहुत सारे प्रोडक्ट देखती हूँ और मार्केट में जाती हूँ तो उनके प्रोडक्ट की पैकिंग जो होती है ना, क्योंकि वो होता है ना दिखेगा तो फिर बिकेगा, ऐसा ही होता है और अच्छा भी होगा. आपके प्रोडक्ट की मेरा अपना प्रोडक्ट है ज़्यादा, इसकी पैकिंग इतनी खूबसूरत कि कहीं पर भी जाओ ना आप तो नज़र पड़ जाती है. और इतने कैसे दिमाग में आया इतनी अच्छी पैकिंग? बेसिकली ये आप समझे कि एक हम सब का मिल के आइडिया था, लेकिन इनिशियल इसमें अब्बा का बहुत ज़्यादा हाथ है क्योंकि एक उनका ऑब्वियसली स्टाइल था काम करने का. तो उनने कहा कि यार किसी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना. तो हम गए और हमने कहा कि यार बेस्ट पैकेजिंग जो बना सकते हैं. शुरू में हमने बहुत आइडियाज़ इधर उधर गए लेकिन एंड में हमने फैसला किया कि इसके अंदर हमें प्रॉपर फोटोशूट करके इसके प्रॉपर शॉट्स भी दिखाने चावल के, क्योंकि हमने कहा कि यार लोग तो एक ही तस्वीर लगा कर सारे उस पर अपने सारे वेरियंट्स पर लगा देते हैं. हमने कहा ऐसा हम काम नहीं करेंगे, हम बेसिकली जो अंदर दे रहे हैं उसको हम बना कर उसकी फ़ोटो शूट करके प्रोडक्ट पे लगाएंगे ताकि आसानी हो जाए. जैसे ये ब्लैक जो आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, स्टीम राइस जो है 11 की स्टीम, इसमें इसकी क्वालिटी ये कि इसका 8 to 10 mm इसका राइस की लेंथ होती है, 1 ग्रेन की लेंथ होती है. तो बेसिकली हमने वो दिखाया सामने प्रोडक्ट शॉट में. फिर हमारे पास ये सेला है, सेला से बिरयानी बनती है, पुलाव बनती है. तो हमने डिसाइड किया कि बिरयानी हमने दिखाई इसके सामने कि ताकि आपको फ़ौरन बिरयानी के चावल है. वही जो मैंने बताया कि शॉप पे जाते तो आपको समझ नहीं आ रही होती कि कौन सा राइस है. अच्छा मैं आपकी बात काटती हूँ, थोड़े से ये कड़ी पत्ते इसके अंदर शामिल करूँगी. अच्छा मेरा एक दूसरा सवाल था जब मैं आपसे मीटिंग की तो वो वाला सवाल था जो सारे लोग जो मुझे देख रहे हैं उनके दिल का ये सवाल था कि क्या चावल ये महंगे हैं. लेकिन मुझे पता लगा कि नहीं महंगे. मैं इतनी हैरान हो गई, इतनी शानदार पैकिंग के अंदर मार्केट से भी सस्ता चावल, मैं बहुत हैरान थी. तो ये क्या है, ये तो थोड़ा सा इसके बारे में क्योंकि हमने कहा कि ये सबके लिए अवेलेबल होना चाहिए. ऐसा ना हो कि यार चावल को देखकर बोलेंगे तो बहुत महंगा है,
लगता ज़रूर महंगा है लेकिन है बहुत कम्पटिटिव प्राइसिंग, मतलब जो भी ब्रांड्स आपको अवेलेबल मिलेंगे मार्केट्स में ऑनलाइन पे उनके साथ कम्पटिटिव प्राइसिंग है। ऐसा नहीं है कि हमारा चावल सबसे महंगा है, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अब्बा का ये काम तो था नहीं कि पैसे बनाना, उनका तो ये था कि यार कस्टमर के पास अच्छी चीज़ आए और आप पैकेजिंग आप जब लो तो आपको एक अच्छा भी लगे कि भाई अच्छी चीज़ खूबसूरत चीज़ मैं घर लेकर जा रही हूँ और आपकी बजट में रहते हुए। अच्छा ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आई थी, ऑनेस्टली मैं आपको सच बता रही हूँ, मैं आपके दिल की बात बता रही हूँ कि जब मुझे पता लगा कि इतनी शानदार पैकिंग में, इतनी अच्छी क्वालिटी में, इतना वो वाला चावल जो मार्केट से भी कम है, तो मैं बहुत हैरान हो गई थी। तो मुझे पता लगा कि वाकई वो एक परसेप्शन बनी हुई होती है ना कि हाँ ये ब्रांड कर दिया तो क्या कहते हैं। अच्छा, आप बात करें, मैं इसके अंदर राइस डाल रही हूँ, जरा साथ में जो है हमारे व्यूअर्स उनका जरा मैं देख भी लूँ कि अगर कोई उनके पास सवाल वगैरह है। नमक इसको थोड़ा लास्ट में डालते हैं, ठीक है, और थोड़ी सी काली मिर्चें, क्योंकि आपको पता है कि इतना अच्छा ये जज़ा फूड की इतनी अच्छी चीज़ें हैं कि बातें ख़त्म करने का मेरा दिल ही नहीं चाहता, तो मैंने कुकिंग को एक साइड पे रख दिया था, दोबारा से स्टार्ट करती हूँ। अब मैं इसके अंदर राइस डालूंगी जिसको मैंने पहले से बॉयल किया था, ये हमारे पास स्टीम राइस था और ये देखिए कितना खिला खिला चावल है। बेसिकली यहाँ पर मैं सवाल भी देख लेता हूँ जी, तो यहाँ पे सवाल आना शुरू हो गए। एक सवाल आया अलीजा नूर मखदूम की तरफ से, आर यू मेकिंग द होल मील यूजिंग ओनली जज़ा प्रोडक्ट्स? यस, क्या कहते हैं, हमारा राइस जज़ा का है, हमारा फ्राइड अनियन जज़ा का है, हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट भी जज़ा का है, लेकिन ये कुछ जो चीज़ें रह गई हैं इंशाल्लाह ये भी जज़ा की आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी। ये बेसिकली अभी जज़ा की नहीं है लेकिन इंशाल्लाह ज़रूर जज़ा की हो जाएगी इंशाल्लाह। और खुशबू कितनी आ रही है, हमारे यहाँ पर आसपास बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, वो यूँ कह रहे हैं कितनी अच्छी खुशबू, इतनी अच्छी खुशबू, तो मैं अभी नहीं खिलाने वाली जब तक ये मेरी पूरी डिश कंप्लीट नहीं हो जाती और पहले मैं खाऊंगी, तैमूर खाएंगे, फिर इन सबको खिलाएंगे, अगर बचेगा तो बना लेंगे। ये हेरा अशर ने बहुत अच्छी बात करी कि पैकेजिंग ऑफ योर प्रोडक्ट इज आवर प्लस इन सच रीजनेबल प्राइस, तो इनने बहुत ये सही बात जो हम कह रहे हैं, जब से कि हमारी पैकेजिंग भी हम लोगों ने ऐसा नहीं किया कि पैकेजिंग अच्छी कर दी तो हमने महंगा कर दिया। बेसिकली थैंक यू हेरा अशर फॉर नोटिसिंग दैट कि हमने इसकी प्राइस भी बढ़ाई और पैकेजिंग भी आपके साथ दी है। अच्छा, ये एक जैनब परवेज का क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स आर देयर ऑफ जज़ा राइस? हमारे 5 वेरिएंट्स हैं बेसिकली, स्टार्टिंग फ्रॉम हमारा सबसे टॉप ऑफ द लाइन एलीट स्टीम राइस है ब्लैक वाला, उसके बाद हमारा क्या कहते हैं ये सिल्वर बासमती राइस है, फिर हमारा ये सेला राइस है, उसके बाद हमारा ये रेड बासमती पैक है, और फिर हमारा इकोनॉमी राइस है। ये हमारे 5 वेरिएंट्स हैं जो हमारे राइस में अवेलेबल हैं। अच्छा हाँ, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट सवाल हुआ है आमना मुशीर खान जिनने करा है, वेयर आर दीज राइस अवेलेबल? भाई आपको मैं जब से बता रहा हूँ कि ये हमारा सहूलत हम आपको दे रहे हैं कि आप ऑनलाइन जाएँ और डायरेक्ट अपने घर पर डिलीवर कराएं, इंस्टेड कि आप मार्केट में जाकर ढूंढें, इससे अच्छा और आपको क्या मिल सकता है। आप हमारा क्या कहते हैं एक होम डिलीवरी सर्विस है जज़ा वेबसाइट के थ्रू, फ्री होम डिलीवरी आपको मिलेगी, और क्या कहते हैं आज के जो हमारे पार्टनर है शो में माई कार्ट वाले, उनके थ्रू आप जाकर जो है आज प्रोमो कोड के थ्रू डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं 12 AM तक, आज रात 12 बजे तक आप प्रोमो कोड इस्तेमाल करें कुक बुक के नाम से, कुक बुक प्रोमो कोड है वो आप जज़ा की वेबसाइट से भी कर सकते हैं, जज़ा के फेसबुक पेज से भी कर सकते हैं और माई कार्ट के पेज से भी कर सकते हैं, तो जाएं और आपको वहाँ डिस्काउंट मिलेगा और सारी चीज़ें आपको घर पे फौरन मिल जाएंगी। और सवाल आना शुरू हो गए हैं, बहुत सारे सवाल हैं जिनमें से मैं कुछ मिस भी कर रहा हूँ लेकिन सॉरी जिन जिन के हम नहीं पढ़ सकते। जी बिल्कुल, माजरत से कि जिन जिन का मैं नहीं पढ़ सकता, लेकिन सब ने बहुत सारी तारीफें करी कि गुड, ये रिदा खान जो है गुड कीप वर्किंग हार्ड, थैंक यू रिदा, और ये हमारे साथ मोहम्मद अहमद खान है, लव द पैकेजिंग ऑफ ऑल योर प्रोडक्ट्स, थैंक यू मोहम्मद अहमद खान, और बेसिकली इस तरह सवाल आते जा रहे हैं। पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है जब बहुत सारे सवाल आते हैं। मैं सवाल देखना चाह रहा हूँ ताकि जो सवाल है उनके मैं जवाब दे दूँ, इंस्टेड के वो जो कमेंट्स हमें करें जो हमें चेयर ऑन करें उनको मैं बाद में अप्रिशिएट करूँगा। थैंक यू जी। इस तरह ये साइमा शकील है, माशाल्लाह अल्लाह पाक आपको कामयाब करें, थैंक यू साइमा, थैंक यू साइमा। और
बहुत अच्छी खुशबू आ रही है हमारा ये जो मटर पुलाव है। अच्छा मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास मटर थे वो मेरे पहले से बॉईल किए हुए थे। जब हमारे राइस में डाल दूँ सारा मसाला मिक्स हो जाए तो फिर मैं इसको लास्ट में मटर ऐड करूँगी, क्योंकि मैंने पहले इसलिए नहीं किया कि पहले से बॉईल किए हुए थे तो फिर वो ज़्यादा नरम ना हो जाए। UAE हमने अभी स्टार्ट नहीं किया, लेकिन इंशाल्लाह ज़रूर आने वाले फ्यूचर में हम स्टार्ट करेंगे। इस वक्त हम 7 कंट्रीज में अवेलेबल हैं, लेकिन उनमें UAE शामिल नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह हमारा इरादा है इसको वर्ल्ड वाइड लेके जाएंगे। ये अब्बा की विजन थी कि पूरी दुनिया में जज़ा फूड्स को हमने लेके जाना है, और इंशाल्लाह UAE में भी अवेलेबल होगा। हम सऊदी अरेबिया में अवेलेबल हैं, सिर्फ UAE में अवेलेबल होगा इंशाल्लाह। और बहुत जल्द पूरी दुनिया में ये राइस जाएगा इंशाल्लाह, बल्कि सारे प्रोडक्ट जाएंगे। जी जी बिल्कुल। आपके सवाल पता हो, मेरा तो ये यखनी पुलाव तो तैयार भी हो गया, मटर यखनी पुलाव। वो बेसिकली क्या कहते हैं, सारे अप्रिसिएशन आ रहे हैं माशाल्लाह, बहुत मटर पुलाव आया है और बेस्ट ऑफ लक तैमूर एंड शेफ फरा, बहुत शुक्रिया। अच्छा ये नवाब इलाही का इंडिया में क्यों नहीं होता है आपका ब्रांड भाई? जल्दी आ जाएगा वहाँ पर इंशाल्लाह, जल्द वहाँ भी आ जाएगा, इंडिया में भी आ जाएगा। बस आप दुआ करें और हमें सपोर्ट करें, इंशाल्लाह वहाँ भी आ जाएगा। इंशाल्लाह जरूर आ जाएगा। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम अपने फूड को इंट्रोड्यूस कराते हुए आपको बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज, वो वाली रेसिपीज, वो खाने जो आपके घर में खाए जाते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट सवाल आया है सानिया उमेश की तरफ से, हाउ टू कीप पीस नॉट टू बी ओवर कुक्ड। ओवर कुक कैसे इनको बचाने की ओवर कुक ना हो जाए पीस, किस तरह से ये ज़्यादा ना हो जाए? तो आपने इसको क्या करना है कि गर्म पानी कर लेना है, गर्म पानी के बाद आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और 2 से 3 मिनट तक इसको बॉईल करें, इसको निकालें, ज़्यादा होगा कुछ नहीं होंगे। आसान सी चीज़ें, बहुत बेहतरीन, बहुत सिंपल टेक्निक है। ये एक सवाल आया फिर से मोहम्मद अहमद खान का, हाउ डू वी बाई योर प्रोडक्ट ऑनलाइन, इज़ इट कैश ऑन डिलीवरी? बिल्कुल, दिस इज़ कैश ऑन डिलीवरी एंड इसमें क्या कहते हैं आपको थ्रू ऑनलाइन भी कर सकते हैं, यू कैन बाय इट ऑनलाइन, प्लस दिस इज़ आप जैसा वेबसाइट के थ्रू फ्री होम डिलीवरी कर सकते हैं एंड कैश ऑन डिलीवरी भी है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो है आज 12 बजे से पहले जो है माई कार्ट पर आप जाएँ, ये आप जैसा वेबसाइट से भी कर सकते हैं, जैसा फेसबुक पेज से भी कर सकते हैं और माई कार्ट की वेबसाइट से भी कर सकते हैं। आप प्रोमो कोड यूज़ करें कुक बुक और आज आपको डिस्काउंट मिलेगा 12 बजे तक। आज आप मिडनाइट तक आप ये इस्तेमाल करेंगे तो आपको क्या कहते हैं ये डिस्काउंट मिल सकता है। और ये हमारे मटर यखनी पुलाव तैयार हो चुके हैं और ये राइस देखिए कितना खिला खिला सा है। जो घर में मर्दों को बड़ी शिकायत होती है, वो खाना तो नहीं बनाते, लेकिन खवातीन से शिकायत करते चावल बिल्कुल गला दिए, तो इसमें आपको बिल्कुल भी शिकायत नहीं होगी। और कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इसकी, और ये हमारा तैयार हो गया। मैंने इतना जल्दी बन जाता है हमारी बातों के साथ साथ, बातें बातें करते करते देखिए जल्दी से बन गया इतनी, मैं समझता हूँ तो रेस्टोरेंट क्वालिटी डिश होगी जी। बहुत अच्छी डिश है, हम इंशाल्लाह वही सारी चीज़ें बनाएंगे। तो आप बहुत महंगे महंगे खाने खाते हैं, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी आपको महंगे खाने नहीं पड़ेंगे, सस्ते और बहुत अच्छे खाने आपको बनाना सिखाएंगे। चावल बन चुके होते हैं तो उसको हटा देना चाहिए आपकी, ताकि जल ना जाए, जल जाएंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। वैसे बहुत सारे लोग नीचे से जले हुए चावल भी खाते हैं, उसका अलग मजा है, वो भी क्रिस्पी होते हैं, उनका अलग होता है, उनका अलग मजा होता है। रख लेता हूँ सवालों को, बेसिकली हमारी डिश तैयार हो चुकी है और इतनी मज़ेदार सी। और पुलाव बिरयानी में सबसे ज़्यादा कमाल जो होता है रेसिपी का तो होता ही होता है, लेकिन साथ में चावलों का ज़्यादा कमाल होता है कि चावल आपके किस तरह से खिले खिले से राइस है। तो ये हमारे देखें जैसा फूड का कमाल है, ये राइस का कमाल है, स्टीम राइस का कमाल है। तो इतने खिले खिले से हमारे चावल हुए और इसको आपने इसको गार्निश कर लिया जल्दी जल्दी से, बहुत ज़रूरी होती हैं। आप इसको खाएं, इंजॉय करें, अपने घर में बनाएं और फीडबैक ज़रूर दें कि कैसे बने। और मैं जल्दी से इसका रिकैप कर लूँ, आपको कुछ और बताना है? जी रिकैप कर लें, फिर हम लोग क्या कहते हैं वो अपना प्रोडक्ट भी दिखा लेते हैं, पहले वो दिखाना ज़रूरी है, रिकैप तो वो बार बार देख लेंगे। चलें चलें तैयार है और क्या कहते हैं
नेक्स्ट शो के लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप बताएं कि अगर आपको कोई और किसी और किस्म की डिश बनानी है, सेला राइस से कोई डिश बनवानी है, किसी और चावल के साथ बनवानी है, तो आप हमें रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पे, और इस वीडियो में जो कमेंट सेक्शन है उस पर आप ज़रूर ये मेंशन करें जो भी आपको नेक्स्ट डिश करनी है। इंशाल्लाह हमारा शो अभी इंशाल्लाह 2 वीक्स बाद हमारा दूसरा शो होगा इंशाल्लाह, तो उसमें आपको कोई फर्दर डिश बनवानी है तो आप प्लीज़ बोलें, फिर वहाँ से हम लोग देखेंगे। जी जी जी, ये हमारा नया प्रोडक्ट लॉन्च करने लगे हम लोग इस शो के ज़रिए। बेसिकली ये है वर्मिसेली सेवैया, बेसिकली ये हमने इस शो में लॉन्च कर रहे हैं, ये आज ये क्या है, आज से अवेलेबल होगी। ये क्या है, ये बेसिकली सेवैया जी, इतनी अच्छी पैकिंग, बिल्कुल वो तो आपको पता है क्वालिटी के साथ पैकेजिंग तो हम जरूर ये इतने आइडिया आपके पास आते कहाँ से, सच सच बता दे आज मुझे आप। जिसको मार्केटिंग टीम हमारी जो है उनको बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है, वो लोग इसमें क्या कहते हैं उनके बहुत सारे एफर्ट्स हैं, और ये जो जज़ा कुक बुक भी है इसमें भी उनके बहुत सारे मोस्टली उनका सारा एफर्ट है, और उनको मैं पर्सनली थैंक करता हूँ। और ये बेसिकली आज से हमारे पास अवेलेबल, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, और ये इंशाल्लाह स्टोर से भी अवेलेबल होगा, आपको भी मिलेगा, आप भी इसको खाएं और मज़े लें, ज़बरदस्त पैकेजिंग के साथ आपको प्रोडक्ट भी बेहतरीन। कलर कितने प्यारा है, वरना तो वो बिल्कुल पीला पीला काला काला वो कलर होता है जो बाजार से लेते हैं, और जब इसको बनाओ तो वो जली हुई सेवैया लगती है, बेसिकली कलर बहुत प्यारा है। बेसिकली आज इसके साथ भी आप डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं थ्रू द प्रोमो कोड, कुक बुक प्रोमो कोड है, माई कार्ड पे आप जाएं और इसको भी आप डिस्काउंट इस पर भी हासिल करें, आज रात 12 AM मिडनाइट टुनाइट आज आप इसको अवेल कर सकते हैं, ये बहुत बेहतरीन डिस्काउंट सारे जज़ा प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो ज़रूर वहाँ पे आप जाएं जो आज हमारे पार्टनर भी है इस बहुत अच्छी बहुत जी क्या कर लें इसको आप अवेल करें जल्दी से, रिकैप कर लेती हूँ, ये इतना अच्छा ज़बरदस्ती पैकिंग है जो तो बहुत खुशी होगी, बहुत सारी चीज़ें मुझे मालूम नहीं थी, मुझे शो पे आके पता लगी, आपको पता लग जाएगी, मेरे थ्रू खुशी होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो किचन में जो खवातीन खाना बनाती है ना उनका दिल चाहता है कि ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि दिल खुश हो जाए। रिकैप कर लेते हैं जल्दी से, मैंने इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल लिया था, ऑयल के बाद मैंने इसके अंदर फ्राई ऑनियन हमारी है जज़ा की वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी थी 1 टेबल स्पून, बहुत कम क्वान्टिटी में यूज़ होती है, आप उसको यूज़ करेंगे। उसके बाद मैंने थोड़ा सा गर्म मसाला इसके अंदर डाला था, अब मैंने थोड़ा सा पानी डाला था ताकि गर्म मसाले का इसका अरोमा अच्छा सा आ जाए। पानी डालने के बाद मैंने इसमें ऐड किया था यखनी, जो हमने मटर की यखनी बनाई थी, मटर थी उसके अंदर, और इसमें साबित धनिया था उसके अंदर सौंफ था, थोड़ा सा गरम मसाला, इलायची बड़ी इलायची छोटी इलायची कम कम क्वांटिटी में, एक ग्लास पका के इसको हमने थोड़ा सा छान के मटर अलग कर लिए थे और यखनी यहाँ पर अलग कर ली थी वो इसके अंदर मैंने ऐड कर ली, और उसको ऐड करने के बाद फिर मैंने इसके अंदर काली मिर्च डाली थी, थोड़ी सी पिसी हुई पाउडर और नमक डाला था, और ड्राई मैंने मिर्च डाली थी जो मैं बादाम खा रही हूँ इसे मज़ा लेने के बोल रही हूँ वो इसके अंदर ऐड कर लिया था, और मैंने कड़ी पत्ता इसके अंदर डाला था, फिर मैंने उबले हुए चावल जो हमारे पास जज़ा के स्टीम राइस हैं, बहुत अच्छे चावल हैं, बहुत है वो दिखा दें हम लोग, मुझे बता दें वो उठाए यहाँ से, हाँ मैं अपने हाथ दिखा देती हूँ, वो वाला हाँ यही वाला है जो आपने खाया था, क्या कहते हैं वो हमने उसको वो किया हुआ ना जरा हवा की वजह से हमने रखा हुआ था उसको, अच्छा मैं उठा लूँ वहाँ से जी, अगर क्योंकि मैं ये दिखाना ज़रूरी समझती हूँ कि खवातीन की जो ये अच्छा ओके ये वाला नहीं मैंने ले लिया, क्योंकि ये पैकेट दिखाना बहुत ज़रूरी है, इनको समझ भी आए कि ये वाला पैकेट था, ये आप पैकेट लें, स्टीम राइस बहुत अच्छे हैं, वो मैंने राइस इसके अंदर ऐड कर लिए, एलीट स्टीम राइस हाँ जी, और इसको मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया, जब ये थोड़ा सा सारा मसाला मैंने बना लिया चावलों के अंदर इसका मसाला चला गया, तो लास्ट में जो बॉयल किए हुए मटर थे और इसमें थोड़ा सा गर्म मसाला था वो ऐड कर लिया, उसको मैंने दम पे रखा, स्टीम पे रखा, 1 से 2 मिनट आपके सामने ही रखा, और वो हमारे राइस जब भी कोई चावल मेरा या किसी खवातीन के बहुत अच्छे इस तरह से बनते तो वो बहुत खुश होते हैं, चाहे वो एक्सपर्ट भी हो ना, तो चावलों के मामले में थोड़ा सा डरती हैं कि ये गल जाएगा या नरम हो जाएगा या फिर कच्चा रह जाएगा, क्योंकि वो फिर खिलाना भी होता है, खिलाना भी होता है, इंसान अगर खुद बना के खा ले अगर सही ना भी बने तो बंदा खा लेता है, लेकिन जब किसी को खिलाना पड़ता है तो बहुत बड़ा मसला, और सारे जो मसाले होते हैं ना वो पूरे के पूरे हमारी मेहनत ज़ाया हो जाती है, इतना मसाला भूला ये, लेकिन चावलों ने आखिर में आके जो सारा का सारा मज़ा खराब कर दिया,
तो ये जो स्टीम राइज है उसकी ये बहुत क्वालिटी अच्छी है कि सामने हमने बॉईल किया थोड़ी देर में और इसको सोक टाइमिंग भी लिखा हुआ है, इसको भिगोने का टाइमिंग इसके अंदर लिखा हुआ है। ये हमने कहा कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि इसका इसकी बेस्ट क्वालिटी कैसे निकलेगी, तो सेलर में भी हमने लिखा है 90 to 120 minutes, इसमें भी लिखा है 30 to 45 minutes कि इसको आप सोक कर लें तो आपको इसकी बेस्ट क्वालिटी मिलेगी। 8 to 10 mm इसकी एक ग्रेन लेंथ है जो इंशाल्लाह निकलेगी। बड़ा चावल होता है ये जो बहुत मुश्किलों से बिल्कुल बिल्कुल सबकी बहुत लोगों की होती है कि खुशबू चाहिए, बहुत लोगों को होता है कि यार लेंथ चाहिए, तो बेसिकली इसमें दोनों अवेलेबल है, लेंथ भी और अरोमा भी। बहुत अच्छा राइस है, आप अपने घर में लेकर आए और इसके प्राइस से बिल्कुल बेफिक्र रहे हैं, बहुत कम है क्योंकि मेरा खुद आजमाया हुआ है, क्योंकि मेरा अपना सवाल था। इसके अलावा आज मैंने मैं बस जब से कह रहा हूँ कि माय कार्ट पे आप जाएं तो फर्दर और ऑफर सस्ता मिल जाएगा, इससे ज्यादा सस्ता मिल जाएगा, डिस्काउंट आपको अवेल हो जाएगा 10% इस पे डिस्काउंट है, तो आप 12 AM आज रात से पहले अवेल कर लें सारे प्रोडक्ट्स पे। और ऐसी आपको अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलेगी, 2 महीने का एक साथ ही मंगवा लें, मैं भी मंगवाने वाली हूँ। नेक्स्ट डिश जो है वो सेला की इंशाल्लाह हम करना चाहेंगे, हमारे पास रिक्वेस्ट आई है कि नेक्स्ट डिश जो है वो सेला की डिश हो, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में इंशाल्लाह हम सेला की डिश बनाएंगे। बिल्कुल आप हमारे साथ रहिएगा, सेला के बड़े मसले होते हैं और ये मसले हम हल करने वाले हैं जैसा कुक बुक के थ्रू जी। और मैं सब देखने वालों को पर्सनली थैंक यू करना चाहता हूँ क्योंकि ये पाकिस्तान का फर्स्ट एवर लाइव कुकिंग शो है और फेसबुक पे फर्स्ट एवर लाइव कुकिंग शो है, तो जिन जिन ने ट्यून इन किया है उनको बहुत शुक्रिया, और जो बाद में भी देखेंगे उनको भी हम शेफ फरा और मेरी तरफ से बहुत बहुत जज़ाकअल्लाह जी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, मुझे भी बहुत खुशी हुई है, बहुत अच्छा लगा है ये शो करके और मैं जज़ा फूड का हिस्सा बनी हूँ, उसकी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है और इतने अच्छे खाने बनाने का और आप तक पहुँचाने का, इतने अच्छे प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज देने का, ये मुझे बहुत शौक भी था और मुझे अच्छा भी लग रहा है, खुशी भी हो रही है। इंशाल्लाह ताला हमारे साथ रहिएगा, बहुत सारी चीज़ें में आपको नॉलेज में इजाफा होगा। और क्या हमारा टाइम खत्म हो रहा है, जाने का वक्त आ गया है, दिल तो नहीं चाह रहा, दिल चाहते हैं अपने लोगों से इसी तरह ही कनेक्ट रहें, कम्युनिकेट करें और बताएं कि इसमें क्या क्या फायदे हैं। और आप ये आप अलाफिस करें, मैं खाती हूँ फिर पता नहीं मुझे मिले ना। ठीक है जी, थैंक यू जी, जजाकल्ला।